अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दादा जी, आपने उस औरत को कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की क्या? कभी जानने की कोशिश नहीं की कि उसने ऐसा क्यों किया? हम कैसे जान पाते? आंधी तूफान के अंधेरे में औरत गायब हो गई और सरगम के पास पहचान के नाम पर कुछ भी नहीं था सिवाय एक लॉकेट के जो उसके गले में था। लॉकेट हम देख सकते हैं क्या? ये भोलेनाथ जी का लॉकेट है। इसका मतलब सरगम ही हमारी असली बेटी है। जीजी सुनो तो सही। जीजी मेरा यकीन करो जीजी, इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगी। हम जानते हैं सरगम आप हमसे नफरत करती हैं, मगर अब हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपका दिल और आपका प्यार दोनों जीत कर रहेंगे। हम अपनी बच्ची पर अब कोई मुसीबत आने नहीं देंगे। जीजी, जीजी पक्का आपने नागिन रूप में आने वाली है। जीजी जीजी चलिए, अरे चलो, अरे चलो चलो जल्दी। कहाँ गई? रंभा, जल्दी ढूंढो उसे। अगर ये नागिन बन गई होगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ जी जी बोलो। अरे जोर से बचाओ, चलो। जीजी हो गया, शुक्र है इसकी आवाज आ गई थी। बीन की आवाज? यार है रंभा, आज सब कुछ संभाल लिया वरना पता नहीं क्या होता, फिर शक हो जाता इसे। उठिए ना बेटा, कैसे आए आप यहाँ पे? अब ऐसे क्यों है यहाँ पे? बुलबुल, क्या हो मेरी बच्चे को? हाथ मत लगाना। तुम्हारी नहीं, हमारी बेटी। क्या किया तुमने बुलबुल के साथ? ये बेहोश कैसे हो गई? मैंने क्या किया? बेहोश है तभी तो आई मैं इसको देखने के लिए। बकवास बंद करो तुम, हम जानते हैं तुमने। तो बात ही कटा बिगाड़े, हटो। बुलबुल, पारो, पारो दी, मीठी महक, तुम दोनों कैसे हो? हम ठीक है पारो, हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। पार्वती, आपकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। मैंने सुना है बुलबुल चांद से वापस आ गई, लेकिन आपका चेहरा तो कुछ और ही बयां कर रहा है। क्या बताए तुम दोनों को? मोहिनी, उस मोहिनी ने हमारी खुशियों पर नजर लगा दी, परेशान हो गए हम उससे। लेकिन हुआ क्या पार्वती? कसम भोलेनाथ की, मन तो करता है देख के नहीं चल सकती क्या? ये सब क्या है? पूजा का सामान?
रंभा के पास ये पूजा की सामग्री क्या कर रही है पता लगाना होगा हमें, मगर उससे पहले हम बुलबुल से मिलकर आते हैं। सॉरी वो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। तुम दोनों यहीं रुको। आंखें खोलिए ना बेटा, देखिए आपकी माँ आ गई। बुलबुल बुलबुल माँ आप आ गई। हाँ बेटा ठीक, हमारी बच्चा। पता है जान निकल गई थी हमारी, धन्यवाद भोलेनाथ हमारी बेटी ठीक है। क्या हुआ बेटा आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। मगर आपको हुआ क्या था, ऐसे अचानक से आप बेहोश क्यों हो गए थे? छपेरा आया था, मैं बीन बजानी शुरू की और उस आवाज से पता नहीं कैसे क्यों माँ मैं खुशी की मारे डांस कर रही थी। क्या? मुझे चक्कर आया और मैं गिर गई। हो ना हो इस सपेरे को मोहिनी ने हमारे लिए ही बुलवाया होगा, हमारी असलियत सबके सामने लाने के लिए। माँ आप कहाँ गई थी? माँ कहाँ गई थी? अपनी बेटी से मिलने। पर आपकी बेटी तो मैं हूँ ना? हाँ आप हैं। लेकिन माँ आपको आपकी असली बेटी मिल जाएगी तो आप मुझे प्यार करना बंद कर दोगे क्या? बुलबुल ये कैसी बातें कर रही हैं आप, ऐसा कैसे सोच सकती हैं आप? रंभा चाची हमेशा कहती हैं कि आपको आपकी सगी बेटी मिल जाएगी, आप मुझे प्यार करना बंद कर दोगे। आप उनकी बात पे क्यों ऐसा सोच रही हैं? हाँ बच्चा आप हमारी बात सुनिए, रंभा और मोहिनी चाहे कुछ भी कहें आपको उनकी बात से दुखी नहीं होना है। एक और बात याद रखिएगा, हम आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं और चाहे जो हो जाए ये प्यार कभी कम नहीं होगा। हमारी बेटी माँ वो देखो क्या जी लीजिए मैं सारा सामान ले आई, ये देख लीजिए आप, उसे ढको ढको उसे रंभा। जीजी मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने ये सब सामान क्यों मंगवाया है? शिव की आराधना करूंगी रंभा। हाँ सावन का महीना चल रहा है, कहते हैं इस महीने में अगर कोई भी शिव शंकर की आराधना करता है उन्हें खुश करता है तो वो उसे मन चाहा वरदान देते हैं। तो आप सच्चे मन से देव को मांगेंगी है ना? देव को तो मांगूंगी ही, साथ ही साथ बहुत सारी शक्तियां भी। मैं इतनी शक्तिशाली हो जाऊंगी रंभा कि ये पूरा ब्रह्मांड मेरी मुट्ठी में होगा और वो नागिन वो मामूली सी नागिन को तो मैं रोंद के फेंक दूंगी, कुछ नहीं कर पाएगी। परो ये मोहिनी तो ये ऐसा नहीं हो सकता, मोहिनी भोलेनाथ की पूजा नहीं कर सकती। मोहिनी तो एक चुड़ैल है, वो तो पूजा की सामग्री देख भी नहीं पा रही तो फिर ये पूजा कैसे करेगी? हमें मोहिनी को ये करने से रोकना होगा। पारो तुम दोनों हमारे कमरे में जाके इंतजार करो, हम आते हैं। चलो हे माँ, मोहिनी भोलेनाथ की पूजा करने की बात कर रही है और ये गलत है, इसे आपको ही रोकना होगा। हमारी मदद कीजिए माँ। जय माता रानी प्रणाम, हमारी मदद कीजिए माँ। पारो
इसमें हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। प्रभु की भक्ति पर, उनकी पूजा पर, उनके वरदान पर हर किसी भक्त का बराबर का अधिकार होता है। मगर माँ, ये तो गलत है ना? आप भी जानती हैं कि मोहिनी भोलेनाथ की आराधना केवल इसलिए कर रही है क्योंकि वो देव को हासिल करना चाहती है और इस पूरी सृष्टि पर अपना राज चलाना चाहती है। और यदि ऐसा हो गया ना माँ, तो पूरे जगत में हाहाकार मच जाएगा। अपने सच्चे भक्तों को वरदान देते समय गलत सही का विचार तो स्वयं भोलेनाथ भी नहीं करते। ये तो इतने भोले हैं कि अगर सच्चे मन से इन्हें जल भी अर्पित कर दिया जाए तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए तो इन्हें भोले भंडारी कहते हैं। पारो, हम प्रभु और उनके भक्तों के बीच हस्ताक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन माँ, मोहिनी की इस पूजा को तो रोकना होगा ना, इसका कोई तो रास्ता होगा। हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है पारो, तुम कोई ना कोई रास्ता अवश्य ढूंढ लोगी। और तुम्हें ढूंढना होगा क्योंकि यहाँ बात केवल देव की नहीं पूरी सृष्टि की है। यदि मोहिनी को उसका मनचाहा वरदान मिल गया तो पूरी सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। हे भोलेनाथ, अब हम क्या करें? हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। देव के साथ साथ इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षा हमें करनी ही होगी। जय भोलेनाथ। देखिए इश्क की दास्तान नागमणि सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।